A two-member special team of Union Ministry of Environment and Forest today visited Deonar dumping ground and met senior officers of the civic body Brihan Mumbai Corporation. The committee is likely to submit its report to the ministry by next week and will suggest the measures need to be taken to avoid such incidents in future. Meanwhile, BJP MP Kirit Somaya has carried out a discussion with concerning officials and has demanded strong action against the perpetrators of the incident. हम देवनार के डंपिंग ग्राउंड में हैं. आप देख सकते हैं कि जो यहां का हाल है, धुएं से ऐसी स्थिति बनी हुई है कि 50 से 100 मीटर तक भी जो देखने की क्षमता है वो लोगों के बीच में अब नहीं है. पास की चीजें भी देखने मुश्किल हो गई है. ये हाल यहां करीब 3 दिनों से है. कहते हैं कि जब जनवरी में एक बार यहाँ पे आग लगी थी, उसके बाद करीब एक सप्ताह की सघन कार्रवाई के बाद जो अग्निशमन दल है उसने उस पर काबू पा लिया था, लेकिन फिर से चीजें शुरू हो गई. जो आरोप है वो ये लगता आ रहा है कि जो सबोटेज हैं, कुछ लोग हैं जो कि इसको बार बार जो है यहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें की जा रही है ताकि ये सुनियोजित साजिश के तहत ये चीजें हो रही है. हमारे साथ किरीट सोमैया है जो की बीजेपी के सांसद है. सर, आप यहाँ पे आए, आप कह रहे हैं कि जो फॉरेंसिक ऑडिट है उसकी आप बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इतने जो इतनी बड़ी त्रासदी एक तरह से जो मुंबई को देखना पड़ रहा है, क्या इसके पीछे कारण है? आप देख रहे हो क्या परिस्थिति, हम अंदर नहीं जा पा रहे. इतना धुआं है, आज भी आग दिखाई दे रही है. ये फायर ब्रिगेड के ऑफिसर अपनी जान लगाकर काम कर रहे हैं. मैंने केंद्र की टीम को कहा है फॉरेंसिक ऑडिट हो, कौन सा कचरा कहां से आया, कितना कचरा आया, कहां से कहां जा रहा है, इसका हिसाब होना चाहिए. और मुझे विश्वास है कि केंद्र की जो टीम आई है यह विषय गंभीरता से लेंगे. किरीट सोमैया जो कि बता रहे थे कि जिस तरीके से जो है जिस तरीके से उनकी जो एक्टिविज्म है वो चलती है, वो कहीं ना कहीं इसको भी एक्टिविज्म के दायरे में लेकर आएंगे. जो जो वो कचरा माफिया की बात करें, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है वो अब वो सड़क पे आने की भी बात कर रही है. फिलहाल जो है डंपिंग ग्राउंड आप देख सकते हैं, पीछे आग जो है अभी भी लगी हुई है. धुआं अभी भी जो जहरीला धुआं है उसने पूरे जो पूरे क्षेत्र को है, जो पूरा वृहद क्षेत्र को है उसको अपने कब्जे में ले लिया है. 24 घंटे जो है बिल्कुल सुबह से शाम तक एरी चोटी का के जोर लगाकर जो है अग्निशमन के दल जो है, अग्निशमन के कर्मचारी जो है यहाँ पे काम कर रहे. फिलहाल जो है काम यहाँ पर युद्ध स्तर पर जारी है. देवनार डंपिंग ग्राउंड से कैमरामैन सुरेश काले के साथ में विश्व कुमार सीतल, डीडी न्यूज मुंबई.